आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। कौन आया रौनक का बेटा? कब तक आएगा? मुझे लगता है उसे देर हो जाएगी, आप डिनर कर लीजिए पापा। पर अब तक तो रौनक को आ जाना चाहिए। पापा आपको मेडिसिन भी लेनी है ना। पता नहीं लड़का कब तक घर आएगा। पापा आ जाएगा रौनक, आप प्लीज डिनर कर लीजिए। अगर मम्मी जी को पता चला ना कि अभी तक आपने डिनर नहीं किया है तो बेकार में हंगामा खड़ा हो जाएगा। वरना बेटा तुम्हारे मदर इन लॉ को तुमसे झगड़ने के लिए अब किसी बहाने की जरूरत नहीं है। रौनक तुमने अभी तक फोन भी नहीं किया है? नहीं, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लड़का भी कितना गैर जिम्मेदार है। हाँ बेटा याद आया, वो सुबह कह रहा था कि उसके दो दो जगह पे इंटरव्यू है। हाँ पर दोनों इंटरव्यूज तो खत्म हो गई होंगी, एक सुबह थी और एक दोपहर को 2 बजे। तो फिर कहाँ गया होगा ये लड़का? वाओ, रौनक होता तो देखता कि कैसे उसका बाप और उसकी वाइफ दोनों मिलकर बेचारे रौनक को कोस रहे हैं। वो भी सिर्फ इसीलिए कि वो अभी तक पहुंचा नहीं है। जी नहीं, देर बहुत हो गई है इसलिए हमें फिक्र हो रही थी। रौनक पहली बार तो घर से बाहर गया नहीं है, है ना? और अगर उसे देर हो रही है तो उसे कुछ काम होगा ना ऑफिस में। आपको तो पता है कि उसे कितना काम रहता है, घर के बाहर वो आपकी तरह चेस खेलने तो जाता नहीं है और ना ही तुम्हारी तरह मायके के चक्कर काटता है। काम करता है वो काम। पर आज वो ऑफिस। व्हाट ऑफिस? तुम लोग क्या चाहते हो कि वो ऑफिस छोड़ के तुम लोग की तरह घर में बैठ जाए? ये मत भूलो कि आज जो कुछ भी है उसकी मेहनत की वजह से है। तुम लोग ऐश कर रहे हो उसकी मेहनत की वजह से, और तुम मौका मिला नहीं कि उसकी बुराई करनी शुरू कर दी पापा के सामने। पापा को तुमने मेडिसिंस दी या वो भी भूल गई? जी वो पापा ने अभी तक डिनर नहीं किया। What? तुमने अभी तक डिनर सर्व नहीं किया? What the hell? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? You can't take your responsibilities? ओफो, तुम पन्ना पे क्यों चिल्ला रही हो? मैं ही रौनक का इंतजार कर रहा था। Oh my God! आप कब से रौनक का इंतजार करने लगे? आपको तो पता ही है ना कि रौनक देर से आता है। रात दिन वो काम करता रहता है, उसको होश नहीं रहता खाने पीने का। और तुम क्या कर रही हो खड़े खड़े? जाओ जाके डिनर सर्व करो। कहाँ जा रहे भाई? ऑफिस। ऑफिस? अबे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? ऐसी इंटरनेशनल हालत में तू ऑफिस जा रहा है? भैया अपनी स्टाइल है ये। क्यों, क्या हुआ? आपकी वो शॉर्ट कहाँ गई जिसे रात भर पहरा लगा के सुखा रहे थे आप? अबे तू फाइल में शर्ट लेके जा रहा है ऑफिस? अरे भैया क्या है, प्रेस करवानी थी पर धूबी चला गया तो मैंने तय करके ना फाइल में रख दी ताकि अपने आप प्रेस हो जाए। एकदम चाहते वक्त ना नुक्कड़ पे पहनूंगा। आप तो सच में नमूने हो। फालतू बात मत कर, सुन इधर ला। एक सेकेंड, बिना प्रेस की हुई शर्ट कोई ऑफिस में पहनता है? तो एक काम कर, मेरी शर्ट पहन, आ जा और मैं ये शर्ट पहनूंगा। भैया कदापि नहीं, मैं पहनूंगा। अरे हाँ कोई बात नहीं, अरे आप मेरी शर्ट पहन लेना, आपकी शर्ट मैं पहन के चला जाऊंगा। अरे चौके यार, मैं तो समझता हूँ सब। चुप बे। अबे इधर ला, बड़ा भाई हूँ तेरा इसीलिए इतना बड़ा त्याग कर रहा हूँ। हाँ तेरी नई नई नौकरी है, क्या इंप्रेशन पड़ेगा तेरा? इंप्रेशन की ऐसी की तैसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्रेस है कि नहीं है। ये शर्ट तो मैं ही पहन के रखूंगा। इधर बालिका
बाजार से 300 रुपए की मैं लाया था। सरोजनी नगर से नया लाया था 600 रुपए में। अरे आप लोग क्या सब उल्टा उल्टा बोल रहे हो, ये शर्ट मेरी है, इसे मैं लाया था। पता नहीं कर कहीं से तो लाया होगा ना मैं, है ना। अरे कहीं मेरी, अरे सुन सुन सुन, एक काम करना, हम लोग आपस में बाद में निपटते रहेंगे, पहले इसे चलता करते। अरे याद आया याद आया, ये शर्ट तो मेरी है, इसे मैं ही तो लाया था। अरे कहां से? अरे करोल बाग से। इसकी है लटाई से। थैंक यू, देखा आप तो प्रूफ भी मिल गया, थैंक यू। अबे सुनना, तू तो इसे एक बार पहन चुका है ना, अब मुझे दे देना, मैं पहनूंगा। नहीं दे देना, नहीं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अरे दादा इले इले भैया शर्ट, अरे नहीं नहीं नहीं, ये शर्ट मेरी है, नहीं देख देखो इसको मैंने पहन लिया, नहीं ये अभी तुम्हें एक बार पहन लिया। इंद्रधनुष मां, ये शांति मां, इंद्रधनुष फट जाएगी, फट जाएगी। अरे अरे तुम लोग तुम लोग तुम लोग तुम लोग फिर से लड़ाई कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज के चक्कर में पूरा मोहल्ला ठीक से सो नहीं पाता, और तुम लोग सारा दिन सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हो, उधम मचाते रहते हो। अरे रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट, मैं ना मिठाई लेकर आई हूँ, मिठाई। वो क्या है ना, मेरी ब्यूटीफुल बबली अपनी ब्यूटीफुल क्लास में सबसे ब्यूटीफुल मार्क्स लेकर आई है, इसलिए। तब तो ये मिठाई भी ब्यूटीफुल होगी। ब्यूटीफुल बर्फी, हैंडसम पेड़ा, जब में कम में, इंदर की माँ, ईशान की माँ। अरे आंटी निकम्मा नहीं, अब तो मुझे 30,000 की नौकरी लगी है। अच्छा, पर हरकतें तो अभी भी 3 रुपए वाली है। हाय 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 हाय, तुम लोग इतने बड़े बड़े मुस्टंडे हो गए हो, शादी वादी हो गई है तुम्हारी, अभी भी लड़ते रहते हो। सीखो सीखो कुछ मेरी ब्यूटीफुल बबली से, है मुझारे जो ऊंची आवाज में बात करे, मैं तो उसकी ब्यूटीफुल आवाज सुनने के लिए तरसती रहती हूँ। अरे तो आप उसका साउंड चेक क्यों नहीं करवाते? वाह भाई वाह, अपना निशान भी बदल गया है, कैसे जुबान चपट चपट चलती है इसकी। हो भी क्यों ना, तेरी उस लड़ाको मौसी बीवी ने सिखाया होगा, है ना। ईशान की माँ, इंदर की माँ। हाँ, पता है ऐसे क्या सिखाती है? कहती है जाके लड़ाई करनी है तो मंजू आंटी से सीखो। तौबा 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 तौबा। अरे आंटी तौबा तौबा नहीं, सुहाना तो आप पे लानत भेजती है। अरे नहीं नहीं, अरे क्या आप भी, अरे नहीं नहीं मंजू आंटी, अब मेरी सुहाना ऐसा कभी कुछ नहीं बोलती, ऐसा कभी नहीं बोलती, ये लोग तो बस मजाक कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी है ना? है? हाँ। तुम्हारी है? हाँ। पर परसों तो मैंने इसे ईशान को पहने भी देखा था। क्या बात है भाई, क्या बात है, कश्यप परिवार ने कोई यूनिफॉर्म बनवाया क्या? पूरा परिवार एक ही तरह के कपड़े पहन के घूमता है, है? पता नहीं सर, हमारे साथ बचपन में ऐसा ही होता था, एक ही तरह के कपड़े खरीद कर ना पूरे बच्चों के खानदान में एक ही जैसे कपड़े बनवा दिए जाते थे। ईशान कहीं ऐसा तो नहीं कि शर्ट एक ही है और तुम सारे भाई उसे बारी बारी पहनकर घूमते रहते हो? कभी उसे इंद्र को पहने में देखती हूँ, कभी उसे क्लेश को पहने में देखती हूँ, कभी उसे ईशान को पहने में देखती हूँ, पर राज की बात ये है कि शर्ट है किसकी? अरे ये शर्ट, ये शर्ट तो इलेश भैया की है। अच्छा नहीं आंटी, ये शर्ट तो इंद्र भैया की है। अच्छा मेरी है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसे ना ईशान को गिफ्ट कर दी, रख ले। आप भी कितना झूठ बोल रहे हो, ये शर्ट मंजू आंटी ये तो इलेश भैया की है। क्यों, अभी तो आप इसको फाइल में सजा के लेके जा रहे थे, क्या बात है, पहले दे नहीं रहे थे, अब ले नहीं रहे, रखो इसको। क्या 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 क्या, फाइल में शर्ट? क्या तुम लोग अपने कपड़े फ्रिज में धोते हो? नहीं नहीं, कपड़े तो हम लोग ना कुकर में धोते हैं। अच्छा, फ्रिज में तो हम लोग प्रेस करके तय करके रखते हैं ताकि फ्रेश और तरोताजा रहे। कड़क भी। मंजू आंटी, मतलब मंजू भाभी, कैसी हैं आप? और आपकी वो ब्यूटीफुल बबली कैसी है? अरे ब्यूटीफुल बबली ने कमाल कर दिया है। ब्यूटीफुल बबली ने अपनी ब्यूटीफुल क्लास में ब्यूटीफुल मार्क्स लाके मुझे खुश कर दिया, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल मिठाई लेकर आई हूँ। अरे वाह। अरे ये शर्ट यहाँ पे कैसे आई? मोहन, ये तो मेरी शर्ट है। आपके भी? भी मतलब ये तो मेरी ही है। लेकिन हाँ,
ओए, क्या है ऐसे क्या देख रहा है कि तेरी माँ लेकर आई थी मेरे लिए बाजार से खरीद कर। लेकिन ये शर्ट यहाँ कैसे आई है? कौन लाया इसे? हेलो, कौन लाया इसे यहाँ पर, वो भी मेरी इजाजत के बगैर? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।